तो हाय दोस्तों, आज टुल्लू के बारे में बतलाएंगे कि टुल्लू किस कमी से जलता है। दोस्तों देख लिया, मैं वाइंडिंग कर चुका हूँ, यह पूरा पूरा जल चुका था। दोस्तों देख लीजिए कितनी अच्छी तरह से वाइंडिंग हो चुका है। तो दोस्तों आपके कमी बतलाएंगे किस कमी से जलता है। दोस्तों अगर हम पेपर सही ढंग से नहीं डालेंगे तो पर भी मोटर जल जाएगी। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरह से हम वाइंडिंग की कर दिए हैं, आपको दिखा रहे हैं। आप दिखा रहे, अगर दोस्तों ये पीवीसी पेपर है, जब रनिंग स्टार्टिंग में शॉर्ट करेगा तब पर भी जल सकता है। दोस्तों मोटर जब वायर रनिंग स्टार्टिंग में शॉर्ट करेगा तब पर भी मोटर जल सकता है। तो देख लीजिए, इसी कारण हम पेपर लगाए हैं, रनिंग स्टार्टिंग को शॉर्ट नहीं करने देते हैं। तो दोस्तों आप भी पेपर लगाकर अच्छी तरह से वाइंडिंग कर और धागा मार दीजिएगा। दोस्तों देख लीजिए ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन चार को निकला है, दो रनिंग का दो स्टार्टिंग का। देख लीजिए दोस्तों पीवीसी पेपर के बारे में बतला रहे थे, तो देख लीजिए पीवीसी पेपर पूरा कितनी अच्छी ढंग से डाला गया है। देखिए देखिए दोस्तों, देख लीजिए आप ही मोटर को अच्छी ढंग से बांधिएगा तो मोटर नहीं जल पाएगी, दिखा देते हैं। और टुल्लू का दूसरा कमी बतलाएगा दोस्तों, देख अगर निचला वाला भाग में पीवीसी पेपर डालते हैं और थोड़ा सा भी छोटा नीचे हो होता है तो दोस्तों वायर बॉडी में सटने लगता है और करंट आने का संभावना हो जाता है। देख लीजिए आप अच्छी ढंग से दिखा देते हैं, देखिए पीवीसी पेपर है, अब निचला भाग जो छोटा हो जाता है नीचे बॉडी में करंट आने लगता है। देखिए अगर वायर ठक जाता है बॉडी में तो देख लीजिए, इसी में मैग्नेट बनाता है दोस्तों, एक चुंबक उत्पन्न करता है और मैग्नेट बनाता है, तब पर भी अब रोटर नचाता है। देख लीजिए चार कर, तो दोस्तों आपको बतलाएंगे कि मेन कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों देख लीजिए हम रनिंग स्टार्टिंग मेन बना देंगे, रनिंग स्टार्टिंग आपस में जोड़ लेगा और दोनों में कंडेंसर जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों में कैपेसिटर जोड़ देंगे और एक मेन पर फेस दे देंगे और एक कैपेसिटर वाला पर, तब मोटर सीधा चलना शुरू हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, दोस्तों आप भी ध्यान दीजिएगा कैसे मोटर चलता है। देख लीजिए कितनी अच्छी तरह से वाइंडिंग हो चुका है, आपको इसमें कैपेसिटर लगेगा। देख लीजिए इसमें कैपेसिटर लगेगा, कैपेसिटर इसमें लगेगा 12 कैपेसिटर लगेगा, ध्यान से देखिएगा इसमें 12 कैपेसिटर लगेगा। मोटर का दूसरा कारण बताएं कि मोटर कैसे दूसरे कारण से जुड़ता है। देखो देख लीजिए दोस्तों, अगर हम कनेक्शन टूट गया है, अगर हम सही ढंग से नहीं छीलेंगे वहीं पर ज्वाइंट मार देंगे तो दोस्तों मोटर नहीं चलेगी और मोटर शॉर्ट कर देगी वहीं पर और मोटर जल भी सकता है। दोस्तों तो इसे ध्यान रखिएगा, मोटर सही ढंग से छील तार वायर को छील कर मोटर को चालू कर सकते हैं और स्लीविंग चला कर, और स्लीविंग अच्छी तरह से नहीं डालेंगे तब पर भी मोटर जल से चल जाएगा, बॉडी में करंट आने लगता है। दोस्तों देख लीजिए पूरा स्लीविंग अच्छी तरह से डाला गया है। तो इस कमी को दूर करके आप मोटर चला सकते हैं सही ढंग से। तो हमारे वीडियो को देखकर एंड लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, देख सकते हैं आपको अच्छी तरह से वाइंडिंग हो चुका है। तो देख लीजिए।